अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा तो भूत नहीं है, तू जिंदा है। इतनी देर से झूठ मूठ में डरा रही थी, तेरी इतनी हिम्मत। हाँ जिंदा हूँ, नहीं मरी। पर आप तो छोड़कर आ गई थी ना मुझे जंगल में, मर भी सकती थी मैं। बोलो क्यों किया आपने ऐसा? तुझे मारने के लिए। फिर भी जिंदा बच के आ गई। शेर तो आया था नवा और भूखा भी था, फिर क्यों नहीं खाया तुझे? पर इसीलिए छोड़ा था तुझे कि शेर खा जाए और हमारे चिकन जंजाल हटे। आप सच में मुझे मारना चाहते थे? मारना चाहते थे नहीं, अभी भी मारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम मर जाओ, ताकि हमारा और हमारे परिवार का पीछा छूटा तुमसे। आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी करता है कोई। लो बताओ, अभी तक पूछ रही थी कि क्यों छोड़ कर आई, क्यों छोड़ कर आई, पर अब बता रहे तो मान नहीं रही हो। मुझे लगा कि आप मुझे परेशान करने के लिए छोड़ आई थी, पर आप तो मुझे सच में मारना चाहती हो। पापू तो कहता है कि दालू लोग जैसे भी हो, तभी डांटते हो, जितना भी बुरा भला कहते हो, प्यार भी करते हैं वो, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और जो प्यार करते हैं वो कभी जान से नहीं मारते। आप भी तो दादी ही हो ना? हाँ है, पर तुम्हारी दादी नहीं है हम। तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बैरी है, बैरी तू हमारी, और हमें अपने बैरी को खत्म करना है। सवालों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा हमने। हमारी भगवान से दिन रात बस एक ही प्रार्थना है कि हमारा और हमारे परिवार का पीछा छूट जाए तुझसे, ऐसे या वैसे, चाहे जैसे। मर जाए तू, मर जाए तू, मर जाए तू, मर जाए तू। ऐसे कौन बोलता है किसी को? अब जय सच है, मानना है मान, नहीं मानना है मत मान। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वह जंगल में कैसे सो गई। ये तो अब समझ में आया कि आपने मुझे बेहोश किया ताकि मुझे वही छोड़कर आ जाओ और शेर मुझे खा जाए, पर मैं फिर भी बच के आ गई। ये ले रानी पटाखा, दिवाली के दिन छोड़ना।
भैया चोर कितने लगी ना, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर डरा रही थी ताकि आप मुझे खाओ नहीं। थैंक यू राम जी। रात भर वही रोड की साइड पड़ी रही। सुबह जब होश आया तब समझ में आया कि क्या हुआ था। मन तो ये कर रहा था कि पुलिस अंकल के पास जाके आपकी शिकायत लगाऊं, पर फिर ये सोचा कि नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्यों मारना चाहती हो आप, क्यों बताओ, नहीं तो अभी क्या अभी जाके मैं सबको सब सच बता दूंगी। चुप। नहीं होंगी चुप, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। नहीं बताएंगे, जो करना है कर ले। अब तो तेरी भूत वाली नौटंकी से भी पर्दा हट गया है, अब क्या करके डराएगी हमें, अब क्या करके परेशान करेगी हमें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आपको परेशान करके, और गुस्सा आ रहा था आपके ऊपर। मैंने बताया भी था आपको कि मुझे शेर बहुत डर लगता है, टीवी पे देखती हूँ तब मैं बहुत डर जाती हूँ, रात भर नींद नहीं आती मुझे, फिर भी वहाँ छोड़कर आ गई मुझे आप। पता है जब वो सामने आया था ना, सुस्सू निकलने वाली थी मेरी, डर लग रहा था मुझे, जोर जोर से चिल्लाया फिर मैंने, पर कोई भी नहीं था सुनने वाला। पटाखे का आइडिया किया था ना, तो शेर ने अभी तक मुझे खा लिया होता ककड़ी की जैसे। इतने मुश्किल से जान बचा के भागी हूँ ये मुझे ही पता है सिर्फ, और आप हो कि मुझे अभी भी बोल रही हो मुझे मारना चाहती हो, कितनी गंदी हो आप, गंदी। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है ना कि आपने कछु गलत किया है कि नहीं, तो मत बोलो सॉरी, ये भी मत बताओ कि आपको मुझे मारना क्यों है। अब सब लोग जब आएंगे ना, तो मैं सबके सामने आपको फिर से पूछूंगी और सारी सच्चाई भी बता दूंगी, मालिक से भी कहूंगी कि आपसे पूछे तब तो आपको बताना ही पड़ेगा। जंगल में छोड़ा तो शेर से बच के आ गई, लगता है तेरी मौत ना हमारे हाथों लिखी है। ये जो तू सबकी धमकी दे रही है ना, उनके आने से पहले पहले हम तुझे झोंके झोंके खत्म कर देंगे। जब तेरी आंखों के आगे अमावस का अंधेरा छाएगा ना, तब जाके हमारी दिवाली रोशन होगी। तभी हमें चैन आएगा, अभी इसी वक्त मारेंगे तुझे, ताकि इसके बाद ना कोई डर बचे जीवन में और ना कोई परेशानी। मार काट के फेंक देंगे तुझे ऐसी जगह जहां किसी को भनक भी ना लगे, इस धरती से नामो निशान मिटा देंगे तेरा, देख। अरे छूट तो तू जाएगी हमेशा के लिए पापी गुड़िया, पर इस जीवन के झंझाल से चल। मैं परी की गुड़िया हूँ, अगर मैं मर गई तो वो पहले के जैसे
जाने के लिए तो छोड़ दो, प्लीज। क्या कर रही हो मिर्जा कैसा? काम आप परी की दादी काम। मेरे काम ही गड़ा है आपका। छोटी बच्ची हूँ मैं, भगवान का रूप हूँ मैं। आप भगवान के रूप को ऐसा ऐसे मारना क्यों चाहती हो? क्यों? अगर मैं मर गई तो मालिक घर में पैसा देना बंद कर देंगे। फिर पीओ चकोर भैया का क्या होगा? मेरे पापू का क्या होगा? तुझे तेरे नकली बाप की पड़ी है और हमें तेरे असली बाप की, उसी की रक्षा करने के लिए तुझे खत्म कर रहे हैं। मुझे मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तू चाहे कितने बहाने बना ले, कितने कारण दे दे, बचने वाली तो तू नहीं है, मरना तो तेरा तय है। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? गलती तो बताओ कोई मेरी। तेरी गलती ये है कि तू बेटी है। कुछ नहीं, परी का और अपना मुकाबला मत कर। आई बात समझ में? आप सीखा करने वाली हो परी की दादी? मिसेस सच्ची में मार दोगी क्या मुझे? नहीं मारो प्लीज। सबको आतिशबाजी दिखाने ले गया सिटी सेंटर। असली आतिशबाजी तो यहाँ हमारे घर में होगी। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।